तो इसे ठीक करवाने जा रहे हैं आज। गाइस देखो, अब देखो होप से हुआ। बंदे भी पूछ रहे कितने साल बाद निकाली है, कैसी लग रही है। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे थ्रोटल बॉडी मंगा रखी है, दूसरा हमने यहाँ पे इरेक्टिफायर मंगा रखा। सबसे पहले इसकी आगे की डिस्क चेंज हो, पीछे का टायर दूसरा नया लगवा ले, इसमें थोड़ी ग्राफिक्स भी करवा लूंगा मैं। कौन सेट का इशू इसमें आ रहा है वगैरह, काम तो कर रहा है बट इसमें ना देखो ये दिक्कत आ रही है। टायर बिल्कुल इसका रखे रखे खराब हो गया, और इसका जो कैलिपर होता है वो भी रखे रखे, उस जो आगे का डिस्क प्लेट है डिस्क प्लेट भी ला रखी है, और कैलिपर भी है वो मेरा घर पे रह गया। एनीवेज गाइस आरएस को ले जा रहे हैं अभी ठीक करवाने के लिए। देख लो यार क्या हालत हो रखी है इसकी, आरएस की ना बहुत बुरा हाल कर रखा है। ओ आराम से ना गाइस, आप खुद देख लो क्या हाल हो रखा है आरएस का ना। तो इसे ठीक करवाने जा रहे हैं आज। तो यार पता है पार्ट स्पेयर पार्ट मार्केट पूरी बंद पड़ी थी ट्यूसडे की वजह से, कंडीशन देख लो। बाकी मैं बताता हूँ, अभी एक साल नमन 1.5 ईयर से खड़ी है लगभग ना, डेढ़ साल से खड़ी है। तो डेढ़ साल से खड़ी है ना बाइक, आप खुद देखो क्या कंडीशन है। और मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से जब बाइक लंबे टाइम के लिए खड़ी होती है ना, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं बिना मतलब की ना, कितना मोटा खर्चा हो गया ना मेरा मतलब की ना। चलो बेकार का खर्चा आ गया, इवन इसका टायर भी कट चुका है पीछे से सारा का सारा। चलो वो भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, दिखाता हूँ मैं आपको कंडीशन गाइस। बाकी मैं सारे ड्रॉबैक बताऊंगा आपको भी, जब बाइक लंबे टाइम के लिए खड़ी होती है तो किस तरीके से दिक्कत आती है इसमें। चलो अब निकाल रहे हैं बाइक को अपनी बम्बलबी को, माई टीवीएस 4 को ना। गाइस देखो अब देखो होप से बढ़िया काम करेंगे। बाकी जो प्रोजेक्ट की बात है ना, बीएस 4 को बीएस 3 में कन्वर्ट करेंगे। बाकी मैं दिखाता हूँ। बंदे भी पूछ रहे कितने साल बाद निकाली है, क्या हुआ। बंदे भी पूछ रहे कितने साल बाद निकाली है, कैसी लग रही है। सही है, साफ हो रही है। अच्छा अच्छा हो जाएगी कामयाब। हाँ बिल्कुल होगी। चलो गाइस देखते हैं, कोशिश करते हैं, बाकी कन्वर्ट करते दिखाता हूँ मैं क्या क्या पार्ट्स मंगवाए आर एस के ना। एनीवेज गाइस फाइनली लोकेशन पे आ गए हैं। अब देखो बाइक की कंडीशन किस तरीके से, मतलब डेढ़ से दो साल जब बाइक खड़ी रहती है ना उसमें क्या क्या दिक्कत आती हैं। ये देखो गाइस कल स्विच वगैरह काम तो कर रहा है बट इसमें ना देखो ये दिक्कत आ रही है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। जब बम्बलबी में मोस्टली आती है ना, चेक करना पड़ेगा इसकी स्टार्टर ले गई क्या क्या, बाकी बहुत सारी कमियाँ गिनवा दूंगा क्या क्या। बाकी अब नंबर बताएगा आपको गाइज, इसमें अगर बाइक को आर एस स्टैंडर्ड या फिर कोई भी फ्यूल इंजेक्टेड बाइक को, थोड़ी हाई एंड बाइक मान लो दो सी सेगमेंट के, जब डेढ़ से दो साल खड़ी रहती है इसमें क्या क्या दिक्कत आती है, क्या दिक्कत नहीं है डेढ़ से दो साल में बाइक खड़ी रही। तो भाई सबसे पहले दो साल तक बाइक खड़े होने के बाद इसमें बैटरी इसकी एकदम ख़त्म हो गई, बैटरी इसकी डेड हो चुकी है, डेढ़ दो साल से बाइक एकदम ठंडी पड़ी हुई थी। तो बैटरी इसकी डेड हो गई तो उसके कारण मैं इसे स्टार्ट भी नहीं ले पा रहा हूँ, और स्टार्ट ना लेने के कारण मेरे को दिक्कत इसमें और ये आ रही है टायर का, आप देख सकते हो गाइस टायर बिल्कुल खत्म पड़ा है। टायर बिल्कुल इसका रखे रखे ख़राब हो गया, साइड से बिल्कुल कटना चालू इसका हो गया, और मैं सही बता रहा हूँ इस टायर को 1000 किलोमीटर भी यूज़ नहीं किया है। MRF का टायर है बिल्कुल नया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई पंचर नहीं, लेकिन क्योंकि डेढ़ दो साल बाइक चलाई नहीं और रखे रखे यहाँ से कटना इसका ये चालू हो गया। तो दूसरा इसमें ड्रॉबैक ये आ रहा है कि आगे की इसकी डिस्क प्लेट जाम हो रखी थी, और इसका जो कैलिबर होता है वो भी रखे रखे उसमें कार्बन जमा हो गया था। दूसरा और वायरिंग की इश्यूज आ रही है, गंदी कितनी हो गई है देख लो बिल्कुल बुरे तरीके से। वायरिंग का मैं बता रहा हूँ जो दिक्कत आ रही है ना वायरिंग में, इसका देखो ये सेल्फ नहीं ले रही है ना, तो दिक्कत आ रही है इसमें। बाकी नमन क्या क्या पार्ट्स मंगवाया था, पार्ट देखो। तो भाई सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे थ्रोटल बॉडी मंगा रखी है, दूसरा हमने यहाँ पे इरेक्टिफायर मंगा रखा है जो पीछे लगता है, थोड़े यहाँ पे ECU ला रखी है हमने, और इसका जो आगे का डिस्क प्लेट है डिस्क प्लेट भी ला रखी है, और कैलिपर भी है वो मेरा घर पे रह गया, उसका इमेज आपको भैया दिखाई देंगे। तो नमन मतलब 9000 में सारे पार्ट्स आ गए टोटल। हाँ तुम्हारा 9000 रुपये में मेरे को सारी चीज़ें मिल गई। तो मेन मोटो यही है कि BS3 में कन्वर्ट करना BS4। हाँ अब इसको BS3 में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। ये देख लो गाइस पार्ट्स आ रहे हैं ना, ECU वगैरह दिखा रहा हूँ मैं आपको BS3 का, इसलिए और ये ABS वाले का पार्ट नंबर देख लो आप। ये देखो गाइस पार्ट नंबर इसका प्रॉपरली ना, और थ्रोटल बॉडी देख लो आप, ये है आपकी BS3 की मंगवाई है मैंने, नमन ने मंगवाई है, नमन की बाइक को कन्वर्ट करेंगे खैर ये तो। साथ ही साथ हमने जो फ्रंट और रियर डिस्क दोनों मंगवा लिए अभी नमन के पास का कैलिपर की। तो नमन अब क्या कार्रवाई करनी है बाइक में। अब इसमें सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले इसकी आगे की डिस्क चेंज होगी और कैलिबर इसमें लगेगा, इसका ब्रेकिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा एकदम तरीके से। दूसरा हम इसमें पीछे का टायर दूसरा नया लगवा लेंगे, और इसकी जो एक नंबर प्लेट मेरी डैमेज हो गई थी वो भी मैं चेंज कर लूँगा, और ये सब भी जो छोटे मोटे खर्चे हैं इसको, हाँ कौन सेट का इसमें एक इशू आ रहा है यहाँ से मुड़ता हुआ, कौन सेट का इशू इसमें आ रहा है ना। और इसको धो के एकदम साफ करके इसमें थोड़ी ग्राफिक्स भी करवा लूंगा मैं, थोड़ी अच्छी सी अच्छी लुक्स के लिए, और एकदम ओके रिपोर्ट करवा लेंगे इसको। तो नमन अब रेगुलर चलानी है बाइक में। हाँ अब इसको रेगुलर रनिंग पे रखूंगा मैं। अच्छा चलो गाइस देखते हैं रेगुलर चलाने के लिए, बात कर रहा ना बाकी से रिपेयर करेंगे।
मतलब इस पर रिस्टोरेशन पूरा आएगा, दिखाएंगे किस तरीके से काम करेंगे। एनीवेज गाइस, जैसा कि नमन ने बताया इसे रिस्टोर करेंगे, अब की बार ना नमन प्रॉपरली चलाएगा, ऐसा नहीं कोई लीनियंसी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी तो हमने आज ट्यूजडे था तो पार्ट्स मिले नहीं यार इसके, छोटे मोटे पार्ट्स थे, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा पूरी मार्केट बनती। अब देखना आप कंडीशन देख लो आपकी इनिशियल, ठीक है। और जो ये पूरी जगह रिस्टोर बड़े तरीके से कॉन्सेट वगैरह कैलिपर वगैरह इसके प्रॉपर BS3 में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम, इसे प्रॉपर एक तरीके से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना, पहले आप देख लो इंप्रेशन और कुछ दिन बाद उसके बाद देखना आप, ठीक है। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में, जितनी भी क्वेरीज है ना आपकी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियो।